सदाई हक कश्मीर न्यूज़ के नाज़रीन, इस वक्त हम आपको मीरपुर आज़ाद कश्मीर से ये ब्रेकिंग न्यूज़ देते चलें कि मीरपुर के नवाई इलाके में धमाकों की अफसोसनाक वजह सामने आ गई। मीरपुर आज़ाद कश्मीर से ये हम आपको अपडेट कर रहे हैं। इस खबर की तफसीलात से आपको आगाह करते चलें कि गैस रिफिलिंग या इत्तफाकी हादसा, जातला बाजार में सुई गैस की लीकेज एजेंसी में आग भड़क उठी, फोन गैस एजेंसी में आग लगने की वजह से गैस सिलेंडरों में धमाके, आग लगने की वजह से किराना स्टोर की दुकान को भी नुकसान पहुंचा, दुकान में 250 के करीब सिलेंडर थे। धमाकों के बाद जातला बाजार में खौफ व हरास फैल गया। अफजलपुर पुलिस समेत इंतजामी ऑफिसरान मौका पर पहुंच गए। क्या कहीं दुकान में गैस रिफिलिंग नहीं की जा रही थी? अवामी हल्के का शुबा, दुकान मालिक का तलक पंजेड़ी और उसका नाम राजा महमूद अहमद है, तहकीकात कर रहे हैं SHO आमिर फारूक। तफसीलात के मुताबिक जातला बाजार में वाक़ दुकान में अचानक आग भड़क उठी। आग लगने के बाद दुकान से ज़ोरदार धमाके होना शुरू हो गए। धमाकों की आवाज़ सुनकर न सिर्फ ताजर बल्कि करीबी आबादियों के लोग खौफ ज़दा होकर घरों से निकल आए। आग लगने की वजह से फ़ोन एजेंसी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, जबकि एक और किराना की दुकान को भी शदीद नुकसान पहुँचा। आग लगने और धमाकों की आवाज़ सुनकर पुलिस भी मौका पर पहुँच गई, जिन्होंने लोगों को रेस्क्यू करते हुए बाजार खाली करवा लिया। दूसरी जानब फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इस मौके पर SHO अफजलपुर पुलिस आमिर फारूक ने बताया कि हादसा की तहकीकात कर रहे हैं। दुकान मालिक राजा महमूद अहमद का तल्लक पंजेड़ी से है। दूसरी जानिब अवामी हलकों ने कहा कि इंतजामिया इस बात की तहकीकात करवाए कहीं दुकान में गैस सिलेंडरों की रिफिलिंग तो नहीं की जा रही थी, जिसकी वजह से नुकसान हुआ।